नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की। यहां मैं आपको बता दूं, वर्तमान में शुक्रदेव मेष राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं, जो कि 28 मार्च 2020 को मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृष राशि के अंदर शुक्रदेव का यह गोचर पूरे 4 महीने के तकरीबन रहेगा। जी हाँ, 31 जुलाई 2020 तक शुक्रदेव वृष राशि के अंदर ही स्थित रहेंगे। ऐसे में आज हम जानेंगे कि शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन का वृष राशि वाले जातकों पर क्या रहेगा प्रभाव। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं, वृष राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव पंच महापुरुष योगों में से एक महापुरुष योग का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसे हम मालव्य महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रदेव लग्जरियस के कारक हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, भूमि भवन वाहन, समस्त प्रकार के भौतिक सुख, ये सभी शुक्र के कारकत्व में आते हैं और शुक्र वृष राशि वाले जातकों के लिए अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन वृष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदाता रहेगा। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों को क्या क्या देखने को मिलेंगे लाभ। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, वृष राशि वाले जातकों के लग्न के अंदर ही शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में यह योग पूर्णतया दर्शाता है कि वृष राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व समाज, परिवार और अपने कर्म क्षेत्र में ज्ञान स्वरूप में निखर कर सामने आएगा। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। पिछले समय में कोई भी मानसिक तनाव, अशांति का माहौल यदि आपके मस्तिष्क में बना हुआ था, तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी सिद्ध होंगे। कोई भी विशेष मनोकामना जो काफी समय से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वह भी होगी अब पूर्ण। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा वाले जातकों को देखने को मिलेंगे पदोन्नति के योग। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज इत्यादि की व्यवस्था बनी हुई थी, तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि, जो कि आपके सप्तम भाव पर बनती है, यह योग दर्शाता है कि वृष राशि वाले जातकों के दैनिक रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कोई भी ऐसा कार्य जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा था, वह भी होगा अवश्य पूर्ण। दाम्पत्य योग में वृष राशि वाले जातकों को मधुरता देखने को मिलेगी। जी हाँ, इन 4 महीनों के अंदर आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करते हुए पाए जाएंगे। यदि आप किसी से प्रेम विवाह करने की सोच रहे थे, तो भी यह समय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी सिद्ध होगा। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे थे, तो भी समय में आप निसंकोच निर्णय ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी, सरकारी कामकाज, ऐसा कोई भी कार्य पिछले काफी समय से आपका रुका हुआ था, तो वह भी अवश्य होगा पूर्ण। स्वास्थ्य पुष्ट रहेगा। साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कर्ज इत्यादि की व्यवस्था बनी हुई है, तो उससे भी मिलने जा रही है निजात। किसी भी प्रकार के गुप्त और उजागर शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। इन 4 महीनों के अंदर आप स्वयं अनुभूति करेंगे कि आप प्रगति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। निवेश के दृष्टिकोण से भी ये वृष राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ समय कारक होगा। बात करें यदि विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों का भी मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। माता पिता का पूर्णतया साथ देखने को मिलेगा, वह शुभ समाचार सुनने को अवश्य मिलेंगे। बात करें यदि वृद्ध जातकों की, तो वृद्ध जातकों का स्वास्थ्य पुष्ट रहेगा। यदि पिछले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखने को मिल रही थी, तो स्वास्थ्य में देखने को मिलेगी पुष्टता। माता पिता का साथ देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, जैसे गायन, वादन, एक्टिंग, चित्रकारी, कलाकारी, इंडस्ट्रीज के अंदर, ग्लैमरस की दुनिया के अंदर कोई भी कार्य, तो ये आपके लिए पूर्ण रूप से बहुत ही श्रेष्ठ कारक समय रहेगा। इसी के साथ यदि आप व्यापारी हैं और आप कपड़े का कार्य करते हैं, सुगंधित वस्तुओं का कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, या कोई भी वह वस्तु जिसे देखकर सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए, वह सभी कार्य शुक्र के कारकत्व में आते हैं। तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। निसंकोच व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा वाले जातकों को देखने को मिलेंगे पदोन्नति के योग। साथ ही मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे थे, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब यहाँ आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा, जो कि आपको हर कोई व्यक्ति नहीं बताता। यदि आपकी कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है, तो निसंकोच जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर लागू होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र देव का स्वराशिस्थ होना, मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करना, ये पूर्णतया दर्शाता है कि जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र देव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है, उन्हें ये लाभ होने ही है। इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं। किंतु बहुत बार
ऐसा सुनने को और देखने को मिलता है कि जैसा ज्योतिषी बताते हैं वैसा हम पर लागू नहीं होता। तो यहाँ पर किसी भी ग्रह का बलाबल देखना, उस ग्रह का योग कारक होना आपकी कुंडली में आवश्यक होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है तो कोई संकोच ही नहीं कि बताया गया फलादेश आपके ऊपर लागू होगा। किंतु यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ ना भी हो तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रदेव को बलवान बनाने के लिए ओम शुक्राय नमः का यदि आप नित्य जाप करते हैं तो आपको समस्त प्रकार के भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, दुर्गा संबंधित यदि कोई भी आप पूजन करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का राज राजेश्वरी जगदम्बा की कोई भी पूजन, दुर्गा चालीसा, श्री सूक्त का पाठ, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः, ओम महाकाल्यै नमः, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै नमो नमः, इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जिन भी देवी को आप ध्याना चाहते हैं उनका यदि आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शुक्र बलवान होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, शुक्र जो कि भोग विलासिता के भी कारक हैं, यदि आप अपने मन को बिल्कुल शुद्धता से रखते हैं तो भी शुक्र आपका बहुत बलवान होता है। तो मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर भी है तो इन 4 महीनों के अंदर आपको शुक्र को बलवान बनाना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव कारक हैं किंतु डिग्री वाइज उनमें बल नहीं है तो आप डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं या फिर जरकन पहनकर शुक्रदेव को बलवान बना सकते हैं। इसी के साथ शुक्र को बलवान करने के लिए यथासंभव शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे सफेद वस्त्र पहनना, सफेद भोजन करना, अपने आसपास का वातावरण जैसे बेडशीट, पिलो कवर इत्यादि। आप अपनी ऑफिस की चेयर के ऊपर सफेद रंग का टॉवल डाल सकते हैं, सफेद रंग का हाथ में धागा बांध सकते हैं, ओम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। सभी स्थितियों से शुक्र पूर्ण रूप से बलवान होते हैं। किंतु मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र का यंत्र तभी धारण करें जब कुंडली के योग कारक ग्रह हो किंतु डिग्री वाइज बल ना हो, अन्यथा शुक्र का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। तो यहां मैं आपको बता दूं, 28 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी सिद्ध होगा। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने की सोच रहे हैं तो निसंकोच समय का आप चयन कर सकते हैं। आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे, भाग्य का आपको परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपका मन बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।